हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चॉप पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से। जूनियर मैनेजर और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती है। यहाँ पे सैलरी जो है 45,000 के ऊपर जो है ऑफर कर रहे हैं। नो एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सैलरी को जानने के लिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है ये, जो कि एक PSU है दोस्तों। और यहाँ पे जो है PSU हैविंग हेडक्वार्टर अवार्डी चेन्नई में है और इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स टेनर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो है अंबरनाथ यूनिट के लिए। आइए देखते हैं क्या कैसे है। डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें, देखिए यहाँ पर सारा डिटेल है। इसमें जो है जूनियर मैनेजर पोस्ट में, जिसमें आपको सैलरी 47,000 के करीब बताई गई है, जिसमें आपका बेसिक पे DA स्पेशल अलाउंस मिला के, ठीक है। और इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, IT, फाइनेंस, अकाउंट, मार्केटिंग, इन्वायरमेंट, इसमें टोटल पोस्ट इधर दिया गया है। कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे दिया, SC में कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम पोस्ट जो है UR वाली पोस्ट है। तो नेक्स्ट है डिप्लोमा टेक्नीशियन की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CNC ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्शन, IT, टूल डिजाइन में, इसमें 37,000 के करीब जो है सैलरी आपको मिलने वाली है। फिर है असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की, स्टोर मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट में दो पोस्ट हैं। और जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट में जो है इलेक्ट्रिशियन, ग्राइंडर और मिल राइटिंग की, यहाँ पे टोटल 81 पोस्ट जो है यहाँ पे बताए गए हैं। आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात। जूनियर में जो मैकेनिकल की है, फर्स्ट क्लास डिग्री है आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट में इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंट वाला अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, टेली कम्युनिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में जो है फर्स्ट क्लास डिग्री सिविल में, जितने जो है आपका मैनेजर वाली पोस्ट है जूनियर, इसमें आपका जो है डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर है फाइनेंस, अकाउंट और मार्केटिंग एक्सपर्ट में जो है आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और मार्केटिंग एक्सपर्ट में फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका MBA कर रखा आपने, अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में जो है डिप्लोमा है आपका, डिप्लोमा टेक्नीशियन वाले पोस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लोमा मैकेनिकल, CNC ऑपरेटर, तो सारा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन वाले पोस्ट में उसी से रिलेटेड आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट IT में BCA BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ जावा का नॉलेज जो है होना कंपलसरी है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट टूल डिजाइन में, जो आपका टूल एंड डाई वाला अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टोर MP प्रोक्योरमेंट में फर्स्ट क्लास डिग्री है, डिप्लोमा मटेरियल, MS ऑफिस का नॉलेज हो। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन आपका ITI वाले, NSE, NTC इलेक्ट्रीशियन, पावर, ग्राइंडर में ग्राइंडर वाले, मशीन ग्राइंडर, मिल राइट में जो है टूल मैनेजमेंट, एडवांस मशीन टूल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री जो है वुड बी रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन अंडर 10+2+3 या 10+2+4, 10+2+5 सिस्टम जो कि होना चाहिए। गैप की जो है बात नहीं गई है, तो गैप नहीं होना चाहिए आपका। लिमिट देख लीजिए 28 साल UR के लिए। OBC है 3 साल छूट मिलेगी, SST 5 साल की छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो है सैलरी का स्ट्रक्चर दिया गया है जूनियर मैनेजर, डिप्लोमा टेक्नीशियन, असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अमाउंट OTA 3,000 पर मंथ, मीटिंग ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सीडेंट के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। बेसिक पे प्लस DA भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और बोला जा रहा है ग्रेजुएटी के ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, फिक्स टेन्योर एंगेजमेंट अपॉन अर्लियर टर्मिनेशन, एंगेजमेंट मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा हो गया कॉज अब, तो रिसीव ग्रेजुएटी आपको मिलेगी ₹15 पर डे के हिसाब से, जो कि आपका 26 दिन का कैलकुलेट होगा 1 डे में, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से अकोमोडेशन भी आपको मिल सकता है, अगर अकोमोडेशन मिलेगा तो HRA आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू हो सकता है, एप्लीकेशन के हिसाब से है, या रिटन टेस्ट हो सकता है, और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हो सकता है। आप एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से है आपका सारा डिटेल मैंने बता दिया है। डिक्लेरेशन पर आपको डॉक्यूमेंट DV वगैरह होगा, ये सब देखिए। नेचर ऑफ एंगेजमेंट जो है आप मैक्सिमम 4 साल के लिए है, तो हर साल आपका जो है टेन्योर बढ़ता रहेगा, ढकेंगे तो 4 ईयर जो है मे आल्सो कंसिडर विद अप्रूवल ऑफ CGM, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर बियॉन्ड, मतलब 4 साल तक, तो 1 साल बढ़ता रहेगा, लेकिन 4 साल जो है आपका CGM के ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ना है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका है डिटेल, बाकी कुछ भी डाउट होगा बताएंगे। फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन भरना होगा, ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन ड्यूली असाइंड फॉर्म है आपका,
आपको इस पदे पे भेजना होगा एनवलप में करके किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 300 का डीडी लगेगा आपका, ध्यान रखेंगे। SST पे WD, एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे फीस नहीं देना होगा, ध्यान रखेंगे। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से भरिएगा। नीचे दिखा देता हूँ फॉर्म कुछ इस तरह का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट, फोटो अपलोड करना आपको पेस्ट करना होगा। नेम, जो भी आपका डिटेल है, एड्रेस, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस है आप भर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये इनक्लोजर जो जो मांगा गया है सब दे दीजिएगा। भाई कुछ भी डाउट होगा बताइएगा वीडियो में दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।